कभी लगे रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं सुबह उन्हीं ख्वाबों को मैं काबू करूं। कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ाने भरूं, कभी लगे बादलों से जेबें भरूं। हाँ टियामो मीटियामो तारे गिनो तेरे लिए, टियामो मीटियामो सारे चुनो तेरे लिए, ख्वाब सारे बुनो तेरे ही तेरे लिए। Falling so crazy, love ti amo, me ti amo, tu khab hai, tu dhoop hai, ti amo, me ti amo, tere hazaron roop hai. Hey guys, welcome back to my channel. Hi, hi, channel. Hi, hi, channel. तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग लेके आए हैं। जय श्री राम। ठीक है जी, तो आज की रीडिंग का टॉपिक झटकेदार फीलिंग्स हो गए ना, दो तीन दिन हो गए तो पता तो चलना चाहिए ना क्या चल रहा है आपके सो कॉल्ड पर्सन की थॉट्स, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है जीवन में, जिंदगी में, झंडगी में। ठीक है ना, तो पता चलाते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जस्ट ऐसी रैंडम एक शफल कर रहे हैं, अभी हम रेडी नहीं हैं। ठीक है, रेडी नहीं है, वैसे पता नहीं किसकी एनर्जीज है भाई, एनो वॉन्ट्स की, रेडी नहीं है हम। ठीक है, अभी कार्ड्स ऐसी नॉर्मल शफल कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने एडिंग की है तो शफल कर रहे हैं जस्ट ऐसे। बाकी पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं karmatarot1111@gmail.com पे। ठीक है जी, जो कार्ड्स हमें दिख जाते हैं ना तो उसके बारे में कुछ थॉट प्रोसेस हमारा चलने लगता है अपना। जैसे अभी ये कार्ड दिखाई दिया है, इसको देखते ही ना हमें बहुत गुस्सा आता है। खैर छोड़िए, देखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी करंट फीलिंग्स पता लगा रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, देखते हैं किसकी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, क्या एनर्जीज है। 333 देखा हमने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है। ठीक है, एक्चुअली आजकल हमें ना ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखकर बड़ी हंसी सी आती है। आगे देखते हैं क्या चल रहा है। इन अभी इस पर्सन की एनर्जी जैसी है, डरे हुए हैं, इतना खौफ फैला रखा है आपने। कसम से आप लोगों ने इतना खौफ फैला रखा है यार, बताओ, बहुत डरा हुआ है यार। रखो रखो, ऐसे डरा के रखना चाहिए। देखा, इस कार्ड ने हमें थोड़ी देर पहले अभी मतलब शफलिंग के दौरान अपना थोड़ा दिखाया था और ये आया भी है, तो डेफिनेटली अभी ये पर्सन जो है भाई साहब बहुत डरे हुए हैं, आप पे पूरी नज़र बनी हुई है। ठीक है, अच्छा भाई, सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, धारदार कम्युनिकेशन, वही हीटेड अप रहेगी, आपसे बात करेंगे तो आपसे बात करेंगे या करें जो भी है आप बात करेंगे
तो कॉन्वर्जेशन जो है वो हीटेड अप रह सकता है. सोर्ट्स का कार्ड है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ तो भाई लठमार प्रतियोगिता चल रही है, बताइए. इनकी थॉट्स, ये यूनिवर्स का हाथ है लेकिन न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, ठीक है. तो ये आपको जो है एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं और साथ में ये डंडा भी लेकर आएंगे आपके लिए. तो आप तो वही इसी से ही दे मारोगे इनको. ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, ये है नहीं बॉटम ऑफ द डेक नहीं है, बट इस कार्ड ने हमको फिर से अपना थोड़ा दिखाया है. तो पता चल गया होगा आपको कुछ इरादे कुछ नेक नहीं है आपके पर्सन की. स्नीकी बिहेवियर है ना, ऑन ऑफ वाला. आएंगे फिर चले जाएंगे. खैर देखते हैं क्या चल रहा है करंट फीलिंग्स में. हाँ लेकिन एक कोई गुंजाइश इनको नहीं दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है. इनको भी पता है. तो ये जो हालत कुछ दिनों से जो रीडिंग निकल के आ रही है ना, इस पर्सन को पता है कि कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं. मतलब रिस्क, मतलब रिस्क भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार पहल करने में क्या 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 ही चला जाएगा. तो उस हिसाब से अभी अभी की एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि यहाँ पर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है. उसके बाद तुरंत बाद ये एस ऑफ वॉन्ड्स है. तो डेफिनेटली आपसे आके खुद कुछ कुछ जो बात करना चाहते हैं. बहुत ही ये शुरुआती कार्ड्स में अगर आप देखें तो इतना ब्लू ब्लू हो रखा है. ब्लू कार्ड ना वो यहाँ थ्रोट चक्रा को जो है वो डिनोट करता है. तो फाइनली इनका शायद जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिव हो गया, इसलिए जो है कुछ निकालना चाहते हैं, ठीक है. निकालना चाहते हैं, उल्टी तो नहीं करना चाहते बात करने के लिए. यहाँ पर देखो ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद, ठीक है. नहीं मिस नहीं कर रहा है आपको, ठीक है. हमेशा ये मत सोचिए कि है ये बड़ा मिस कर रहा है हमारा पर्सन हमें, कोई ना मिस कर रहा, ठीक है. बस ये है कि लॉस फील कर रहा है कि यार ये पर्सन आया, एक पर्सन आया भी कब चला भी गया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह फील कर रहा है. मिस नहीं कर रहे आपको ये जो कुछ स्टॉक कर रहा है वो क्या ही मिस करेगा, रोज आप पे नज़र बनाई रखी है. इसे मिस करना कहते हैं. मिस वो होता है जब आपका इनसे कोई रابطہ ना हो, ये आपको देख ना पाए और जो है हमेशा यादों में खोए रहना. बहुत ही सच्ची मोहब्बत वाला होता है ना, वो मिस करना होता है. यहाँ पर कोई मिस विस नहीं कर रहे, कोई मिस विस नहीं कर रहे, हमको नहीं लगता है ऐसा, बिल्कुल नहीं लगता है. और डेफिनेटली आपको मिस कर भी नहीं रहे. वो सब शुगर कोटिंग वाले ना हमारे हमसे ना हो पाता, वो बड़े बड़े थंबनेल में चिपका चिपका के कि देख लो भाई खून के आंसू रो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, घंटा मिस कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं कर रहे. तो अभी जो है इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है कि थोड़ा लॉस फील कर रहे हैं. अरे होता है ना, थोड़ा ऐसा लगता है ना यार, वो आपकी एनर्जीज और हमारी एनर्जीज में भी आता है यार. कभी कभार ऐसा लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी में ज़िंदगी कहाँ ही लेकर जा रही है. और एक लॉस्ट फीलिंग, लॉस्ट मतलब अपना अपनी दुनिया में अलग परेशान आत्मा, ऐसा परेशान आत्मा है. आपको कोई मिस विस नहीं कर. ये टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. पता नहीं अचानक से हमको इस कार्ड को देख के ऐसा लगा जैसे छुरा घोपा गया है इनके पीछे. नहीं लिटरली ये मत सोचिएगा भाई किसी ने किसी पे हमला किया, नहीं नहीं नहीं, बैक स्टैबिंग इनके साथ हुई है. बैक स्टैबिंग हुई है, किसी ने इनको जो है धोखा दिया है. भाई जैसी करनी वैसी करनी, इसलिए शायद ये लॉस फील कर रहे हैं. उसके बाद ये वाला कार्ड आया ना, एक कार्ड, अच्छा ये कार्ड, दो कार्ड है क्या, अरे 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 दो कार्ड है यहाँ पे.
टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, और एट ऑफ वांड्स है. बोला ही हमने आपको कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बात करना चाहते हैं. टेन टेन देखा हमने, और यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है. देख रहे हैं आपको, पता है, देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं. मतलब आप पे जो नज़र बनाई हुई है ना इन्होंने, इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं आप, ठीक है. एक तो पहली बात इनको लगता है कि अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत नाजो नखरे के साथ जो है पले बड़े हैं आप. लड़का हो लड़की हो जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं. इन्होंने देखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया है या नहीं किया है, बहुत बहुत अच्छे से जो है आप पले बड़े हैं. अभी आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं. क्वीन तो डेफिनेटली आप हैं, किंग या क्वीन वॉट एवर, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जो है बहुत अच्छा सा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है इस समय. तो आप कोई भी नॉनसेंस तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में. इलेवन इलेवन देखा हमने, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप सेल्फ मेड हैं, खुद का कुछ कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं उसमें. देख रहे हैं अच्छे से, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं. फाइव ऑफ वॉन्ड्स है. रुकिए रुकिए रुकिए, एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो वहाँ तो यूनिवर्स का हाथ आ रहा है ऐसे, उसके नीचे की पोजीशन में ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है. हमने बोला ना, लठमार प्रतियोगिता चल रही है भाई यहाँ तो. पता नहीं, हंसी आ रही है, सॉरी. एंजल्स भी ना, क्या क्या थॉट्स प्रोसेस थॉट्स आते हैं हमें रीडिंग के दौरान, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है समझ आती हैं, हंसी आती है. फिर दो दो कार्ड चलिए ले लेते हैं. ठीक है, ये देखो. यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, फिर यहाँ जो है सबके डंडे इकट्ठे करके यहाँ पे खुद खड़े हो गए. बस ये ना, या तो इन्होंने लाठियों का बिजनेस शुरू किया होगा. बहुत लाठियाँ हैं इनके पास, ये देखो, ये लड़ने के लिए भी और जो है ऐसे तंबू गाड़ने के लिए भी. लगता है केटरिंग का, वो शादियों का सीजन चल रहा है ना आजकल, वो टेंट वालों का काम शुरू किया होगा इन्होंने. अच्छा हाँ, ये कार्ड भी साथ में आया था, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है. समझ रहे हैं, मतलब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि पहल आपकी तरफ से आए. ये तो बस दिखावा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मैं आ रहा हूँ. आप ही की तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं ये डेफिनेटली, ठीक है. फाइनल कार्ड आ गया है ना, एक ही कार्ड आया ना, प्लीज़. हाँ, एक ही कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया, नाइन ऑफ सोर्ड्स. भाई आपको इस रूप में देख के ना, इस पर्सन की अभी फटी पड़ी है. हमने बोला ना, शुरू का कार्ड ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो somebody is viewing you as queen of swords. तो ये पर्सन अभी आपको इसी प्रकार से व्यू कर रहे हैं ना, तो इनको डर लग रहा है भाई, अच्छा खासा खौफ फैला रखा है. ये देखो जरा, चेहरा छुपाने के लिए अपना चेहरा खुद ही अकेले में छुपा रखा है. अरे भाई कोई नहीं देख रहा तुमको यार. कोई नहीं देख रहा तुमको. तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं, करंट एनर्जी से तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखनी चाहिए. चैरियट, ठीक है, पहली बात
आपका फोकस नहीं है, आपका अभी इस पर्सन पे कोई फोकस नहीं है, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। पहला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्स है, आपकी एनर्जीज है ये बॉटम ऑफ द डेक की। और देखा जाए अगर ओवरऑल एनर्जीज हम चेक करें और हम बोलें कि ये एज योर पर्सन थाट्स, वॉट अबाउट योर पर्सन थाट्स, तो हम ये देख सकते हैं कि इनका बस अभी एक ही एकमात्र लक्ष्य है, गोल है कि किसी तरीके से बात हो जाए। ठीक है, अभी एकमात्र लक्ष्य इस पर्सन का एक एक उसी चीज़ पे इनका ध्यान है पूरी तरीके से, बुलजाई। ठीक है, बस उसी पे इनको निशाना मारना है कि किसी तरीके से एक बार बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, खुद कुछ नहीं करना है। ठीक है, डंडा भी इनको यूनिवर्स ला के दे, ठीक है, और पहल भी आप करें। ठीक है, ये बस आपको जो है स्टॉक करेंगे और एक कोने में खड़े होके बस ऐसे देखते रहेंगे। इनको बोलिए खेतों में जाके ना वो स्केयर क्रो का काम करें, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, जिंदगी भर जिसने आपको डराया, जिसने आपको इतने गम दिए, इतने धोखे दिए, अभी वो डरा हुआ है, उसको बोलो यार डराने का काम खेतों में करें, कुछ पशु पक्षी जो है वो डर जाएंगे, तो खेत भी जो है, खेतों की फसल भी अच्छी उगती रहेगी और इनको कुछ पैसा भी मिलेगा उसका, क्योंकि खेतों में खड़े रहेंगे तो कुछ होता है ना, दिहाड़ी दिहाड़ी मिलेगी इनको। तो जी देखिए, साफ सीधी बात है, मिस ही आपको कर नहीं रहे, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की जरा जो है इस बात पे छाती पीट रहे हैं कि हाय तौबा, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी वाली चली गई, मेरा वाला चला गया, मेरी बात हो जाए एक बार, बस किसी तरीके से बस बात हो जाए, इसी चीज़ की जो है ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। पूरा फोकस आप पे है क्योंकि चैरियट का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आप पे बहुत ऑब्जर्वेशन रखी हुई है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं, मतलब हो सकता है, अगर हमने एक्सेस बोला है तो हो सकता है आपकी सोशल मीडिया की कुछ डिटेल्स, इन्होंने आपका फ़ोन वगैरह हैक कर रखा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये आपको स्टॉप करते हैं। ओके, डेफिनेटली। दूसरी बात, जो पेन इन्होंने आपको दिया है ना अब तक, तो हमें ऐसा लगता है इनकी लाइफ में भी किसी ने बैक स्टैबिंग तो इनके साथ की है, पक्का कुछ लोगों ने जो है इनके पीठ में ऐसे अच्छी तरीके से जो है छुरा घोंपा है। ठीक है, पिछवाड़े में ना घोंपाओ कहीं। नहीं नहीं, पीठ पे ही हो पाया, बैक स्टैबिंग, ठीक है, हिप स्टैबिंग नहीं हुई यहाँ पे, बैक स्टैबिंग हुई है। तो जी जो भी है, किसी ने जो है इनको पीठ पीछे इनको जो है अच्छी तरीके से जो है इनको इनकी क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना, वो याद दिलाई है, क्या होता है इनको, इनकी वैल्यू, इनको इनकी हिंदी में भी एक वर्ड होता है, हैसियत, हैसियत होती है ना, हैसियत, इनको इनकी हैसियत याद दिलाई है कि मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया है ना टिट फॉर टैट, इनके साथ भी वही किसी ने जो है वही चीज़ की है, सेम ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सेम वही चीज़ हुई है, तो इस बात का जो है इनको इस बात का अब रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि ये कार्ड है ना, हमने बोला ना लॉस, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि भाई लॉस्ट है अपनी दुनिया में, बस खो गया हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं लुट पिट गया, तो ऐसी एनर्जीज इनकी हो रखी है क्योंकि इनको भी किसी ने बैक स्टैबिंग किया है। अच्छा, हमें ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों का डेफिनेटली इनके फाइनेंसिस पे यानी इनके मनी पर भी कुछ असर पड़ा होगा इस चीज़ का, भाई जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा ख़राब होंगे तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही, और थोड़ा एनजाइटी के भी शिकार हो रखे हैं ये पर्सन अभी। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, कि होता है ना, जो होता है हो गया वो भूल जाओ, और जो है हो गया, हमारे साथ भी वही चीज़ें हुई है, देखो हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया था इसलिए हमारे साथ भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो जो है एक अपने दुखड़ा का अच्छे से जो है अंताक्षरी सुनाएंगे आपको, और वो आप सुनेंगे बैठ के, क्योंकि आप तो भाई इमोशनल हैं तो आप सुनेंगे थोड़ा, खुदा के नेक बंदे हैं, दयालु हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी आप इस एनर्जीज में हैं, इस पर्सन को भी पता है कि आपको जो है वापस से दोबारा से उसी सांचे में उतारना
नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है, ईजी नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा। इनको भी पता है कि अभी जो है आप एक खौफनाक खौफनाक जीव बने हुए हैं। इस जीव को भी ये पता है कि आप अभी बहुत ही खौफनाक बने हुए हैं, और जो है इसी खौफ से ये पर्सन आपके पास आपसे बात करने से आने से डर रहा है। दैट्स वाई जस्ट ये खुद ही बैठ के जो है प्रेयर कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात हो जाए, लेकिन बात यानी कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आए, आप इनको कॉल या मैसेज करें, जो कि आप करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा कि आप करेंगे, और हम आपको बोलेंगे भी नहीं कि करिए, कतई ना करें, ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। इंटेंशंस बहुत प्योर नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बस वेटिंग मोड पे हैं। और पहली बात, जो लोग स्टॉक करते हैं हमारी नज़र में वो कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। स्टॉक वही करता है जिसको डाउट होता है, और डाउट ठीक है, एक हद तक डाउट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, लेकिन जब वो ऑब्सेशन हो जाता ना, देखिए होता है इंसान को संदेह, हर किसी पे होता है यार, कभी ना कभी तो संदेह होता ही है ना, बट शक जो वर्ड है ना, जो शक, आप किसी पे अगर शक कर रहे हैं तो इतना ना हो कि वो ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप समझ गए होंगे हमको क्या कहना है, बट डेफिनेटली हमको यहाँ पर इनकी एनर्जीज कुछ खास जेन्युइन इंटेंशंस नहीं लगे। यहाँ पे कार्ड समेटते हुए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक साथ ऐसे करके आया, तो जब तक हमको इनकी इंटेंशन सही नहीं लगेगी तब तक हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप जाके इनको कम्युनिकेट करें। करने दीजिए मैनिफेस्टेशन, जादू टोना, मंत्र जो भी फूंक रहे हैं फूंकने दीजिए, आपको क्या करना है, आप सावधान हो जाइए। हम तो बस यही करेंगे ना, हम अपने खुदा के नेक बंदों को यहाँ पे बस पूरी तरीके से जो है उनको कॉशन अलर्ट दे देंगे कि ये चीज़ें हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनकी एनर्जी सभी बहुत अच्छी नहीं है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे थे, ठीक है, नॉट सो जेन्युइन, नॉट सो प्योर। तो अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हैं, रहिए कुछ टाइम इतना ऐसे ही रहिए भाई। ये बात तो है कि इस पर्सन ने आपको स्ट्रॉन्ग तो बहुत बनाया है, अब आप पहले की तरह रोते धोते नहीं आए, रोना धोना भी नहीं है, नहीं चाहिए। अरे जाओ यार, ऐसे लोगों के क्या लिए रोना धोना, क्या यार, भगवान के लिए रो यार, हैं कि भगवान जी आप कब आओगे, भगवान जी आप हमसे मिलो, आप हमको दर्शन दो, हैं ऐसे लोगों के दर्शन का क्या करना है, हैं छोड़ो यार, हटा सावन की हटा, जाके बोलो भूख है, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, और हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, थोड़ा सा आशीर्वाद हमें भी फेंक के मारिएगा, कभी कभी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, हमें मेल पे कॉन्टैक्ट करिएगा अगर आपको रीडिंग्स चाहिए तो, ठीक है। और क्या बताएं, और तो कुछ बताने को है नहीं अभी, नहीं कोई बात नहीं हमारे पास, और कुछ भी बताने को नहीं है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।